नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में एक समय था जब बेटियों को बचाने के लिए बिहार सरकार विशेष मुहिम चला रही थी। आज भी बिहार सरकार बेटियों को बचाने का काम तो जरूर कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बिहार से ऐसी खबरें आना कि बेटी के जन्म होने के साथ ही माता पिता ने बिल्कुल ही अविश्वसनीय कदम उठाया है, तो ये दर्शाता है कि बिहार में बेटियों को लेकर मानसिकता सच में बदल रही है। आपको अगर याद हो तो एक समय था जब बिहार में बेटियों को जन्म के दौरान ही मार दिया जाता था, और आज का एक समय है जब बेटियों के जन्म होने पर खुशियां मनाई जाती है। जिसे एक बात तो साफ है कि बिहार बदल रहा है, समय के साथ बेटियों के लिए समाज और उनके प्रति सम्मान बढ़ रहा है। बिहार के ही एक परिवार ने इसको सिद्ध भी किया है। बिहार के ही मधुबनी जिले के डॉक्टर दंपत्ति ने अपनी बेटी के जन्म को यादगार बनाने और बेटियों के प्रति समाज को सकारात्मक संदेश देने के लिए अनूठी पहल की है। मधुबनी के झंझारपुर बाजार इलाके में रहने वाले डॉक्टर सुरविंदु झा और डॉक्टर सुधा झा ने अपनी बेटी आस्था भारद्वाज के नाम से चांद पर एक एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, क्योंकि उनकी बेटी आस्था उनके खानदान की ही पहली बेटी है। ये परिवार मानता है कि बेटियां किसी भी खानदान की मान और सम्मान होती है, लेकिन उनके खानदान में लगभग 7 पीढ़ियों से बेटियों की किलकारी और हंसी नहीं गूंजी थी। इसलिए अब उनके घर में आस्था का जन्म हुआ तो परिवार काफी खुश है। इसलिए इस खुशी पर 4 चांद लगाने के लिए ही उन्होंने अपनी बेटी को चांद पर ही जमीन खरीद कर गिफ्ट की। हालांकि इस प्रक्रिया में उन्हें 1.5 साल का समय जरूर लगा। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ये काम कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लूना सोसाइटी की वेबसाइट पर आवेदन उन्होंने किया। उसके बाद तमाम तरह के कागजी प्रक्रिया पूरी करने और जमीन की कीमत और रजिस्ट्री शुल्क की राशि पेपाल ऐप से भुगतान करवाने के बाद 27 जनवरी 2022 को स्पीड पोस्ट से उन्हें चांद पर जमीन रजिस्टर्ड करवाने का पेपर मिला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में बेटियों के प्रति लोगों की सोच काफी हद तक बदली है, लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जिसे अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये वो वर्ग है जो अभी भी बेटियों को बोझ ही मानता है। समाज को सड़ा देने वाली इस मानसिकता की लड़ाई आज भी कई बेटियां लड़ रही है। ऐसे में बिहार में डॉक्टर दंपति की तरफ से बेटी के लिए उठाए गए इस कदम से यकीनन उम्मीद है कि इस वर्ग के लोगों को जरूर सीख मिलेगी कि वो बेटी को अगर चांद पर जमीन ना भी दे सके तो कम से कम उनकी इज्जत करे और सम्मान करे, बोझ ना समझे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।